चुनने को सैकड़ों चैनल, खर्च बढ़ेगा, सेटअप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा, जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे, बचत ही होगी। 31 दिसंबर 2016 से पहले आप सेटअप बॉक्स लगवा लें, वरना आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। कब बढ़ेगा दलहन तेलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला, क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा। आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गाँव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे, निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है, ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अति भी हैरान होती है। कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अति भी हैरान होती है। अच्छे कोई लोग जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, किसी रूप से बातें की हैं, अकि इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। Thank you.
सर, इस लाल हवेली का मामला दिन ब दिन संजीदा होता जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने जमीन नीलामी में ली थी और बहुत जल्द हम उस जमीन पर अपना हेडक्वार्टर तामीर करना चाह रहे हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट के दो कैटेगरी भी भेजे थे, मगर अफसोस कि उन दोनों की मौत हो गई और दुनिया वालों के सामने उन दोनों की मौत राज बनकर रह गई। इंस्पेक्टर, मैंने खुद इसलिए बुलाया है कि तुम्हें इस राज से पर्दा हटाना है। इससे पहले कि मीडिया खामखा शोर मचाने लगे, होम मिनिस्ट्री जवाब तलब करे, तुम्हें हर हाल में इस केस को सॉल्व करना है। दो, द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेंजरस। सर, क्या बात है अमित? नहीं, कुछ नहीं, शायद मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं अमित, आज रात यहीं रहते हैं और यहीं पे ढेर सारी बातें करते हैं, और इन केस भूत तुम्हें मिल भी जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मैं सब संभाल लूंगी। नो 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 मोना, तुम्हें यहां से जाना ही पड़ेगा। बड़ी जिद्दी हो ना तुम, चलो। अरे अमित, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हो सकता है तुमने बंद कर दिया हो। क्योंकि तुम बहादुर हो, निडर भी, और हमेशा खतरों से खेलते हो, पर कभी कभी डर लगता है, इसलिए तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हूं। चिंता जायज बा, इस तरह के खाना से हो सकत बा कैविटीज, यही खातिर कोलगेट, एकर कैल्शियम ऑफ प्रोटेक्शन दांत के रखेला मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित।
ना कैविटीज के डर ना प्यार में झिझक। कोलगेट डेंटिशियन के सुझावल नंबर वन ब्रांड। ये तमाशा तो दिल दहला देने वाला था मगर दिलचस्प भी। इसे देखकर किसी भी कमजोर इंसान के दिल का धड़कना बंद हो सकता है। खैर तुम जो भी हो मुझसे नहीं बन सकते। मैं आत्मा पर तो यकीन करता हूं मगर भूत पर एक बार नहीं। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। यस। सारा सामान मौजूद है ना वहाँ। देखो दूध है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, सब कुछ तो है। देखो देखो अमित, मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करो। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किचन में कुछ था ही नहीं और कोई भूत प्रेत आके सामान रख के चला गया। देखो इंस्पेक्टर अमित, मेरा नाम मोना ठक्कर है। क्या पेशे तो मैं वकील हूँ पर नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन भी हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, ये मैं सिर्फ आप ही के साथ हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट सी, नहीं तो मेरी एक हिट है ना। ठीक है ठीक है, चाय बनाओ। ओके थैंक यू। अमित सुनने में तो ये बातें बड़ी दिलचस्प लगती हैं, लेकिन सर इसमें लेकिन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो खौफनाक मंजर कल रात मैंने वहां देखा उसे अगर कोई भी कमजोर इंसान देख ले तो वहीं उसका हार्ट फेल हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग वहां मरे हैं उन्हें इसी किस्म के खौफनाक या डरावने माहौल से गुजरना पड़ा होगा, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने वहां कोई भयानक शक्ल देख ली हो जिसे देखकर उनका हार्ट फेल हो गया हो। बट खास बात यह है सर कि मुझे वहां कोई भी भयानक शक्ल नजर नहीं आई। लेकिन अमित तुम्हारा अगला कदम क्या है? सर अब अगला कदम भी उन्हीं का होगा, मुझे पूरा यकीन है। आज की रात वहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। बी केयरफुल अमित, अपनी मदद के लिए पुलिस हमले की जरूरत है तो साथ ले जाओ। सर ये भूतों का खेल है और भूत भीड़ में नहीं वीराने में आते हैं, सन्नाटे में आते हैं। अब उनसे मुलाकात तन्हाई में ही होगी।
मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। माना कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे पेशे मेरे फर्ज का खिलवाड़ करो। नो आई एम सॉरी, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम तो इस मामले को जानती हो कि यह मामला कितना पेचीदा है, कितना संजीदा है, फिर भी इस किस्म की हरकत कर रही हो। ये तो समझ में नहीं आता कि ऐसी बेहूदा हरकत करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। हाँ बोलो, जवाब दो। मोना, मैं तुमसे जवाब तलब कर रहा हूं। I want a reply from you. I just don't understand कि तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। अरे तुम एक वकील हो, इस केस की सीरियसनेस को अच्छी तरह समझती हो, फिर भी बोलो मोना, जवाब दो मोना। मिसेज माधवी कैलाश राय। मगर आपका तो कत्ल हो चुका है। हाँ इंस्पेक्टर अमित, मेरा कत्ल हो चुका है और मेरे कत्ल का मुकदमा भी चला, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की तलाश में मेरी आत्मा भटक रही है। इस हवेली में जहां आप इस वक्त खड़े हैं, ये मेरे पुरखों की है। तो आप इंसाफ की तलाश में भटकने वाली एक आत्मा है। अपने बदले की आग को बुझाने के लिए बेकसूर की जान लेने का क्या हक पूछता है आपको? इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव, मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा। तो इस हवेली में जो इतनी सारी मौतें हुई है, उनका कातिल कौन है? वो सभी अपने कातिल खुद हैं, खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार। वाह, लेकिन आपके सिवा तो इस हवेली में और कोई नहीं है। मैं यहाँ आने वाले हर आदमी से मदद की फरियाद करती रही, लेकिन यहाँ आने वाला हर आदमी डर का, खौफ का शिकार होता रहा। कोई हवेली की छत से गिरकर मर गया, तो किसी की खौफ की वजह से दिल की धड़कन रुक गई। फिर आप आए, आपने खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। आप मजबूत दिल और मजबूत इरादों के मालिक हैं, और इस बात का सबूत मुझे कल रात मिला जब आपकी महबूबा मोना ने आपके साथ वो खतरनाक मजाक किया। मैं कातिल नहीं इंस्पेक्टर अमित, फरियादी हूँ। मेरी मदद कीजिए, मुझे कानून से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है उन गवाहों से जिन्होंने अदालत में सच्चाई सामने नहीं आने दी। सारी दुनिया जानती है मैं शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर कैलाश राय की पत्नी थी। उनका समाज में बहुत नाम है, रुतबा है, इसीलिए मुझे भी सम्मान मिला, इज्जत मिली। लेकिन अदालत में सच्चाई सामने नहीं आई। देखिए मिसेस
सच की जो भी तस्वीर है वो तो सिर्फ आप ही बयान कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूं इंस्पेक्टर। मेरे कातिल को सारी दुनिया निर्दोष मानती है और वो ऐश की जिंदगी जी रहा है। देखिए, आपने मुझ पर यकीन किया है तो इत्मीनान रखिए, कातिल को अपने किए गए गुनाह की सजा सुनाई जाएगी। आप सिर्फ ये बताइए, आपका कातिल है कौन? मैं बताती हूँ आपको, वो 27 दिसंबर की रात थी, हमारी शादी की 7th wedding anniversary। और आप अकेली आई हैं, आपके साथ कोई नहीं आया? Wish you a very happy anniversary. Thank you. शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई, आप अकेली ही खड़ी हो, आपका आधा अंग कहाँ है? बस आ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर कैलाश, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कहिए क्या लेंगे आप? आप शरबत में मिलाकर जो भी देंगे पी लेंगे। वैसे भी आजकल मिलावट का जमाना है, प्योर चीज मिलती ही कहाँ है। यू आर राइट, वेटर, ये लीजिए, ये खाली शरबत नहीं है, इसमें कुछ खास मिला हुआ है। थैंक यू लेडी, सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू। थैंक यू, चीयर्स। बेटा। यस सर। ये बुके ले जाओ, रख दो। ओके सर। साथ में ये भी। एक्सक्यूज मी माधवी, आप डॉक्टर से आके बोलो उस सेकंड की जवाब से। देखो দাদা শোন 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 তুই একটা কথা একটা কথা শুনি শোন তুই শোন একটা একটা রাখিনি এখানে শোন কচি কচি দায়ী করা সব বললো না দেখলি তাহলে এই শোন 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 ভালো